बांग्लादेश में हुए भारी विरोध प्रदर्शन और वहां हुए तख्तापलट की गवाह दुनिया बनी। लेकिन बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही चिंगारी उठ रही है। तू तो गया बेटे। कि पीटीआई का बांग्लादेश मॉडल पर तलबा के जरिए हंगामों का प्लान, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद 31 अगस्त का नारा लगा दी है पाकिस्तान के स्टूडेंट ने। हाला तोबा, हाला तोबा। क्योंकि पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग की और ऐसा ना करने पर सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली। तेरा क्या होगा कालिया? क्या पाकिस्तान में भी वही चीजें होने वाली है जो हमने बांग्लादेश के अंदर देखी? हाँ भाई हाँ। डरा रहे, डरा सकते हैं कि भाई शीशा दिखा सकते हैं कि भाई देखिए हमारे देश में भी ये हाल हो सकता है। लेकिन ये ताली दोनों हाथों से बजी है। इसमें हमारे अपने जो जराइम हैं, कसूर हैं, गलतियां हैं, हिमाकतें हैं, वो अपनी जगह पे हैं। मुक्तियां बानियां अपने जगह पे हैं। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश हमारे लिए रोल मॉडल है, अगर बांग्लादेश की आवाम अपने हकूक ले सकती है तो हमें भी अपने हकूक लेना आते हैं। इशारा ये कर रहे हैं कि जब रियासत ब्रेक डाउन कर जाती है तो जिस किस्म का इंतजार होता है, फिर उसके अंदर सारा मुल्क, सारी कौम, सारी रियासत सफर करती है और सिविल वॉर हो जाती है और किसी के फायदा नहीं है उसके अंदर। बहुत ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है, बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। इनको निकलना चाहिए, बहुत देर पहले ही निकलना चाहिए था। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। शाहबाज शरीफ समझेंगे भी और आर्मी चीफ भी समझेंगे और बड़े ध्यान से गौर से वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ हो, कुछ हमें इन चीज़ों से छुटकारा हासिल हो, तो उसके लिए हमें चाहिए, लाजमी है कि इस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारे वो तत्व रेडी है एक इस तरह के रेवोल्यूशन के, बात यह है कि कब और कैसे। इसका मतलब है ये टोटली फेल। मेरे ख्याल से ये जो स्टूडेंट्स को निकलना चाहिए, स्टूडेंट्स को नहीं सिर्फ तमाम लोगों को निकलना चाहिए। एक घर में अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसको तोड़ना, उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान। और अगर अपने हक के लिए निकलते हैं, ये लोग डंडे मारते हैं, ये लोग ये करते हैं, लेकिन जब इतनी स्ट्रेंथ में निकलेंगे लोग तो भाई कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को अंदर करेंगे। 14 अगस्त को उन्होंने कहा है अपने पीटीआई के वर्कर्स को कि वो पार्टी और पाकिस्तान के झंडे लेकर निकलें और पुरमन जो है वो एहतजाज करें। हम लोगों को यहाँ पर हमारी जो तालीम, जो हमारी सेहत की सहूलियात हैं, जो खुराक है, जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। एक तख्ता पलट तो आपने भी बांग्लादेश में देखा, अब एक और तख्ता आप पाकिस्तान में पलटते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश के हालात थे सेम के सेम हालात आज पाकिस्तान के अंदर है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पे भी आरोप लगा कि इसने अपोजिशन को चुप कराकर फ्रॉड करके इलेक्शन जीता है, और इधर शहबाज शरीफ के ऊपर भी यही इल्जाम लगे जा रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी का दमन करके उसको जेल में भेज के इन्होंने फर्जी तरीके से चुनाव जीता है। खैर पाकिस्तान में तो सारे चुनाव फर्जी होते हैं, वहां तो बस आर्मी का आशीर्वाद जिस पार्टी को मिल जाए उसी का पीएम चुन लिया जाता है। जिस तरीके से छात्र आंदोलन बांग्लादेश में शुरू था, जिसको बाद में जिहादियों ने हाईजेक कर लिया और हाईजेक करके जो उनकी मांगे थी वो तो पूरी हो गई, उसके बाद भी इन्होंने हिंदुओं पे जो कत्लेआम किए बांग्लादेशियों ने, वो बेहद निंदनीय है। बांग्लादेश का रहने वाला कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, वो उतना ही बांग्लादेशी है जितना एक मुसलमान है। खैर ये बात अलग है कि बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहां पर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए थे। और अभी भी मैं बांग्लादेशियों को बोलना चाहूंगा, अभी भी इस वक्त है, सुधर जाओ, बंद करो ये सब करना, क्योंकि वो भी तुम्हारे भाई है, तुम्हारे मुल्क के रहने वाले हैं। जितना दर्द और तकलीफ 1971 में तुमने सही है, उससे कहीं ज्यादा दर्द और तकलीफ उन्होंने भी सही थी। जितना तुम डिजर्व करते हो उससे कहीं ज्यादा वो बांग्लादेश को डिजर्व करते हैं। सही बात है। खैर अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। तो जैसा कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया गया, जिस तरीके से वहां पर जो कार्रवाइयां हुई है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के छात्रों ने 31 अगस्त का अल्टीमेटम पाकिस्तानी सरकार को दे दिया है, और इस अल्टीमेटम से पाकिस्तान आर्मी चीफ की टांगे कांपने लग गई है। उसने ये कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ ऐसा करने की हिमाकत करने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो पाक आर्मी के जूतों के तलवों के नीचे रौंद दिए जाओगे। खैर ये बात भी सही है, पाकिस्तान के जितने भी लोग पाकिस्तानी आर्मी के तलवों के नीचे रहते हैं, जूतों के नीचे रहते हैं, और ये पाकिस्तानी डिजर्व भी यही करते हैं, क्योंकि ये है आसमानी कौम, जज्बे वाली कौम। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई, अगर पाकिस्तान की आवाम ने एक लिया है बांग्लादेश की आवाम को देखकर के, हाँ भाई वो निकले हैं तो हम भी इस तरह करें। पाकिस्तान के आवाम को बहुत देर पहले ही निकल जाना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि पूरा एक साल हो गया है, एक साल से भी ज्यादा हो गया, उनका लीडर कैद में है, जेल में है। अच्छा। ठीक है, और अगर उनको एहसास हुआ ही है बांग्लादेश की यूथ को देखकर कि उन्होंने जो किया है अपनी सारी गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा, तो ये बहुत अच्छी
अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगी जी डिजिटल दहशत गर्द है, ये बहुत गलत बात है। कोई यहाँ पर कोई दहशत गर्दी नहीं होती, अपने हक के लिए सबको निकलना चाहिए। और अगर अपने हक के लिए निकलते हैं ये लोग डंडे मारते हैं, ये लोग ये करते हैं, लेकिन जब इतनी स्ट्रेंथ में निकलेंगे लोग तो कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को अंदर करेंगे। ये बात तो माननी पड़ेगी, इस्लामी मुल्क के अंदर कभी जमहूरियत हो ही नहीं सकती, ये जिहादी थे है और रहेंगे। इंकलाब की बात कर रहे हैं कि 9 करोड़ जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो बेरोजगार है, और जो रिटायर्ड हमारे शाही ऑफिसर्स हैं रिटायरमेंट के बाद भी वो ब्यूरोक्रेट ही रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें अच्छी अच्छी जो है जॉब्स ऑफर की जाती है। अब बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान की यूथ ने कहा कि यही चीज़ अब हमने करनी है, 31 अगस्त को हमने निकलना है। अगर बांग्लादेश कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। श्रीलंका में इंकलाब आया, बांग्लादेश में इंकलाब आया, इंडिया दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब पाकिस्तान में इंकलाब की बारी है। तो ये जो 31 अगस्त है, आपको लग रहा है कि इंकलाब आएगा? देखें, सबसे पहले तो जो इंकलाब का जोश जज्बा है हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में जो इंकलाब का जोश जज्बा है वो अभी से नहीं, यानी कि एक ऐसी चंगारी पहली नहीं है, इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक ऐसा लीडर आया जिसने लोगों के अंदर इस इंकलाब के बेसिकली जोश जज्बे को बहुत ज़्यादा उभारा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी इंकलाब की तरफ जाते हैं हमें सबसे पहले एक चीज़ ये रियलाइज होनी चाहिए, एक चीज़ कलम होना चाहिए, क्योंकि हम फिलहाल 3rd वर्ल्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया अगर हमसे थोड़ा सुपर है लेकिन वो भी फिलहाल किसी 1st वर्ल्ड या 2nd वर्ल्ड में अभी भी नहीं काउंट होता। इकॉनमी इनकी बेहतर है लेकिन पब्लिक एज ए पब्लिकली ग्राउंड लेवल देखा जाए उनमें भी अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मसाइल है, बिल्कुल मसाइल है। अब अगर बांग्लादेश में उसकी रेवोल्यूशन को हम एज ए रोल मॉडल, एज ए आइडियल अगर हम उसको देखें, तो अब ये सबसे पहले चीज़ हमें क्लियर होगी वो था एक 3rd वर्ल्ड कंट्री है। तो ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जो जिस प्रॉब्लम्स के ऊपर आज उन्होंने एक रेवोल्यूशन की और जिससे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, वो प्रॉब्लम्स आगे भी इसी तरह चलेंगे। आगे क्या होगा कि अभी उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक कठपुतली से प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता है, पीछे पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी आर्मी बैठ गई है। जी जी, तो हम जैसे 3rd वर्ल्ड कंट्रीज का यही होता है कि जो ऊपर जो हमारे Big 3 है ना वो हमें कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल नहीं करते मेरे भाई, तुम्हें तलवों के नीचे रखते हैं, तुम तलवा चाटने वाली कौम हो, तुम तलवे के नीचे रहना लायक ही डिजर्व करते। और मैं आपको बता रहा हूँ, 31 तारीख को जब ये बाहर निकलेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, 2-4 फ्लैग ले आएंगे, 2-4 प्ले कार्ड दिखाएंगे और शाम को घर आ जाएंगे। इससे ज्यादा इन पाकिस्तानियों के बस की कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में जो हुआ उसके बारे में पड़ोसी मुल्क जो कि दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और बांग्लादेश का बड़ा लंबा बॉर्डर आपस में लिंक करता है। उनका कहना यह है कि इंडिया कह रहे हैं कि बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गुर्बत आएगी, अनरेस्ट आएगा, जिस तरह इंडस्ट्रीज बंद होगी, पाकिस्तान भी यही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया एक अलग सोचता है। इंडिया अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करें, इंडिया अपने डिफेंस के ऊपर फोकस करें, इंडिया अपने यूथ को जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रहा है। तो सर, इंडिया और पाकिस्तान की सोच में इतना फ़र्क क्यों है? ये पाकिस्तान और इंडिया का मतलब कंपैरिजन करना ही एक वैसी बेवकूफ़ी होती है, मैं अगर कहूँ। सही बात है। इसमें हमारे इदारे उस तरह के कोई फॉल्स फ्लैग जो है ना वो सोचते हैं कि जी वो अगर स्टूडेंट्स निकलें और अपने हक के लिए, हुकूक के लिए, देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम लोगों को यहाँ पर हमारी जो तालीम, जो हमारी सेहत की सहूलियात हैं, जो खुराक है, जो बाकी चीज़ें हैं, बिजली है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे, तो उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, हमें कोई वायलेशन नहीं करनी चाहिए, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, कोई पुरतशद्दुद कोई वाकया नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें बोलने का हक तो हमें है। मेरे भाई तुमको यही हक नहीं है। वाह भाई वाह, तुम बोल नहीं सकते मेरे भाई, तुम पाकिस्तान आर्मी तुम्हारे पे जुल्म कर रही है, अत्याचार करती आ रही है पिछले 77 साल से, तुम बोल सकते हो आर्मी खिलाफ? नहीं। आर्मी चीफ के खिलाफ बोल सकते हो? नहीं। बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैला रही है तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी, रेप कर रही है, बलात्कार कर रही है, बोल सकते हो? नहीं, नहीं बोल सकते। तो भैया तुमको पाकिस्तान के अंदर बोलने की आज़ादी नहीं है, और बोलने की आज़ादी है तुमको तो हिंदुओं पे बात करके दिखाओ। जो हिंदुओं की बच्ची को उठा के ले जाता तुम्हारा मियां मिठू, उनको जबरदस्ती बुड्ढों से शादी करवा देता है, उसके ऊपर बोल के दिखाओ। नहीं बोल सकते मेरे भाई, तुम बोल ही नहीं सकते, तो पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी है ही नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो एक दो दिन की स्ट्रगल नहीं है उनकी। काफ़ी देर से आप देखें, जो उनकी वज़ीर आज़म थी, PM थी हसीना वाजिद, वो काफ़ी देर से उसने भी क्या किया था, आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उन्होंने भी वही चीज़ें क्रिएट की थी कि मतलब कि अपनी ओपोजिशन को बैन किया, उन पर पाबंदियाँ लगाई, सब कुछ किया, जेलों में डाला उनको, मतलब कि अब जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उनके, उनको ओपोजिशन को हिस्सा नहीं लेने दिया गया।
तो उस वजह से आवाम में काफ़ी देर से उधर लावा पक रहा था, तो एक दिन फटना ही था, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान की कंडीशन भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है उधर से। आप देखें कि पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ हो, कुछ हमें इन चीज़ों से छुटकारा हासिल हो, तो उसके लिए हमें चाहिए, लाजमी है कि इस तरह की ये मूवमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। मतलब जो 31 अगस्त की प्लानिंग हो रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई प्रोपोगंडा नहीं है। हर इंसान का अपना माइंड है, उस माइंड से सोचता है। ये तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक सब लोग एक माइंड से नहीं सोचेंगे। पॉलिटिकल हमें एक होना पड़ेगा। मतलब बांग्लादेश के स्टूडेंट ने पाकिस्तानी स्टूडेंट को इंस्पायर कर दिया? बिल्कुल इंस्पायर किया, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान के हालात ही हैं, जितना भी पढ़ा लिखा नौजवान आ रहा है, जॉबलेस है मोस्टली। आप देखें 90% लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से। आप देखें कि जितने भी अच्छी पोस्ट हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की पोस्ट हैं, जितनी भी अच्छी ऊपर की पोस्ट हैं, उधर पे कौन आता है? ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, आर्मी आते हैं। अभी रिसेंट देखें HEC का जो चेयरमैन लगा दिया, वो भी रिटायर्ड फौजी है। अभी दुबई में या किसी कंट्री में मैं पढ़ा था, सफीर लगाया, वो भी रिटायर्ड फौजी को लगा दिया है। बिल्कुल इनके नज़र में बस यही है कि वो एक ही जो 2-3% लोग हैं वही बस मुल्क को चला सकते हैं, बाकी सारे इनकी नज़र में सॉरी टू से कि जानवर हैं सब। कोई मतलब के अनएजुकेटेड समझते हैं ये सबको, मतलब बेवकूफ़ समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं ये लोग। चलो मेरा भाई, कोई तो समझदार निकला पाकिस्तान के अंदर। इस बंदे ने सोशल मीडिया पे खड़े होकर बात कही है, मुझे तो डर लग रहा है 2-4 दिन में कहीं ये गायब ही ना हो जाए। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और साथ में ये यूट्यूबर भी। खैर, जहाँ तक है पाकिस्तान के बारे में, मैं ये बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान के स्टूडेंट जो ये मूवमेंट चला रहे हैं, कोई सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि नकल के अंदर भी अकल की जरूरत पड़ती है, और अकल पाकिस्तानियों के अंदर होती नहीं है। ये स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ मैं। तो ये निकलेंगे, शाम को घर आ जाएंगे, फिर शाम को दुम्बा बिरयानी कढ़ाई नान खा के मस्त ऊपर से कोल्ड ड्रिंक डकार के सो जाएंगे। फिर भी आने वाले 31 तारीख को जो भी होगा उसके ऊपर मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए ला दूंगा। अब आप लोग क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।